पीएम शहबाज के आवास में घुसा अफगान का शख्स, सुरक्षा कर्मियों को नहीं लगी भनक, लिया गया एक्शन। भारतीय सेनाओं का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास समाप्त, सशस्त्र बलों ने किया क्षमताओं का प्रदर्शन। दर्दनाक हादसे का शिकार हुए मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालु, 5 श्रद्धालुओं को देखकर कांप उठी लोगों की रूह। मंत्रियों विधायकों की फौज के साथ आज अयोध्या पहुंचेंगे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस भी रहेंगे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे, थोड़ी देर बाद बाघों की संख्या को लेकर जारी करेंगे नए आंकड़े। यूपी के गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 2.5 करोड़ रुपए की चरस अफीम के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की बहन और 2 सगी भांजियां वांटेड, एक से होना है बेटे असद का निकाह। धर्मनगरी में एकता की मिसाल हनुमान जयंती शोभा यात्रा पर मुस्लिम समुदाय ने की पुष्प वर्षा, एक दूसरे को लगाया गले। त्रिपुरा सीएम ने पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी पर लगाए आरोप, साथ ही कहा कि बंगाल में परचम लहराएगी बीजेपी। डीजीपी बोले आधुनिक तकनीक से होगी रामलला की सुरक्षा, 77 करोड़ से खरीदे जाएंगे हाईटेक उपकरण। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।